स्टॉक की पूरी डिटेल हमें स्टॉक क्वेरी से मिल जाएगी, वहां जाकर के हम क्वेरी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कब कब हमने कौन सा स्टॉक खरीदा या बेचा है। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से डी बटन प्रेस करना है कीबोर्ड में डिस्प्ले पर, तो ये वाला बॉक्स यानी डिस्प्ले मेन्यू वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज, ई प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, आप आ जाएंगे स्टॉक क्वेरी यानी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज में। पहला ऑप्शन जो है स्टॉक क्वेरी का है, टी प्रेस कर दीजिए, आप आ जाएंगे स्टॉक क्वेरी में। यहां पर देख सकते हैं तमाम चीजें आपको दिख रही है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, पल्स है, रैम है, राइस है, एसएसडी है और वीट है। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं अभी कीबोर्ड के ऊपर, ये कीबोर्ड पर हम आ गए। अब यहां पर आपको दो कॉलम्स में डिवाइड होकर दो चीजें दिख रही हैं, एक जो है परचेज की रिपोर्ट है और एक सेल्स की रिपोर्ट है, कब कब क्या क्या चीजें कितने कितने अमाउंट में किस किस तरह से परचेज की गई, किस तरह से सेल करी गई, वो सारी चीजें आपको दिख रही है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं ये कीबोर्ड है और जो ओनर राजेश हैं इन्होंने 22 पीसेस कीबोर्ड खरीदे हैं, खरीदी गई है 56 रुपए के रेट से और कुल मिलाकर के 1230 रुपए 77 पैसे इसका टोटल अमाउंट हुआ। इसी तरह से 1/9/2020 में खरीदा गया है और 1/4/2020 में क्या खरीदा गया है, 1/4/2020 में 120 पीस कीबोर्ड खरीदा गया है। ठीक है, और ये जो है रेट क्या लगाया गया है 120 रुपए के हिसाब से और इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो अब यहां पर जो सेल हुआ है वो किस किस तरीके से हुआ है, 1/4 वाले डेट में सारी चीजें सेल करी गई हैं, सारे कीबोर्ड सेल किए गए हैं, यहां पर एक 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 करके एक एक पीस सेल किया गया और यहां पर एक ही बार एक ही पार्टी ने 4 पीसेस सेल इस पार्टी को करी गई है चीजें। ठीक है, यहां से आप सारी डिटेल ले सकते हैं। यहां पर आपको क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, 100 स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है हमने चुकाया था, यानी कि जो भी दुकानदार होता है वो कहीं से माल लेके आता है तो उसके लिए जो कॉस्ट आपने चुकाया था उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलेंगे, वो 56 रुपए है। ठीक है, और यहां पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो है 120 रुपए है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास कुल मिला के कितने कीबोर्ड है, 134 पीसेस कीबोर्ड है। यहां से हम सारी चीजों को क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर दें, और अगर मंथली रिपोर्ट देखना चाहते हैं या आइटम की मूवमेंट देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं यहां पर क्लिक कर दें। तो यहां पर देख सकते हैं सप्लायर और बायर दोनों की मूवमेंट आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये पूरी की पूरी डिटेल यहां शो हो रही है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों दिया हुआ है। ठीक है, ये सप्लायर की डिटेल है और ये बायर की डिटेल है, जो खरीदता है उसे हम बायर कहते हैं और जो बेचता है उसे हम सप्लायर कहते हैं। तो ये सप्लायर की डिटेल और ये बायर की डिटेल यहां पे दी गई है। चलिए बात करते हैं।